हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा सोलर पैनल से लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने का तरीका, ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर के यूज़ करके, ठीक है। तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम चेक करेंगे इससे सोलर पैनल से हमारा बैटरी जो है चार्ज होता है या नहीं, और हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है ये गर्म होता है या नहीं, ठीक है। तो यही हम टेस्ट करेंगे सोलर पैनल से लिथियम आयन बैटरी चार्ज होता है या नहीं, ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर के यूज़ करने से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से इसका कनेक्शन पूरा कर लेता हूँ सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ, बैटरी और सब कुछ लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए अब पहला जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो आप देख सकते कैसे इसको कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हमारा जो कनेक्शन है पूरा हो गया है, आप ये बात देख सकते हैं, चार्ज कंट्रोलर भी शो कर रहा है बैटरी और चार्ज सोलर पैनल। और आपको दिखाता हूँ मैं एक सोलर पैनल को और यहाँ पर से खोल के आपको दिखा देता हूँ, खोल के इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो अभी हमारा वोल्टेज है बैटरी का 11.5 वोल्ट है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब आप सोलर पैनल को वायर लगा देता हूँ। तो एक कुछ सेटअप है, हम बता देते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर लगाए है। हम यहाँ पर लगाए हैं 50 वाट का एक सोलर पैनल, ये वाला है, और ये 3 बैटरी है, ठीक है, 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी है, और ये 12 वोल्ट का एलईडी लाइट है। तो लाइट जो चल रहा है अभी, तो कुछ इस तरह से इसका सेटअप है। और बैटरी का वोल्टेज हमने माफ करना भूल गया था, तो बैटरी का वोल्टेज भी आपको चेक करके देख देता हूँ अलग से मल्टीमीटर से। और मैं इसको चार्जिंग पे रख के कुछ देर वेट करूँगा, उसके बाद हम देखेंगे बैटरी का वोल्टेज बढ़ा है या नहीं। तो अभी हम बैटरी का वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। तो बैटरी का वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.36 या फिर 12.36 अब देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर 4.5 यहाँ पर शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से वोल्टेज है। अब हम इसको चार्ज करेंगे बैटरी को सोलर पैनल से डायरेक्ट। तो हमने लगा दिया है सभी वायर को यहाँ पर। तो अभी ये चार्जिंग हो रहा है ये डिफॉल्ट सेटिंग से, ठीक है। तो डिफॉल्ट सेटिंग से चार्ज हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा है काम यहाँ पर। तो अब हम वेट करते हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगा, अभी पड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आपको कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे कि कितना हमारे बैटरी जो है चार्ज हुआ है। तो दोस्तों, हमारा जो बैटरी है यहाँ पर चार्ज हो रहा है, ठीक है। अभी 1-2 मिनट भी हुआ है, ठीक है, अभी 11:20 हो रहा है टाइम। तो उसके बाद हम देखेंगे कितना देर तक हम रखते हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल पर आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी अच्छी तरह से पड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है सूरज की रोशनी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर पूरा ज़ोर से पड़ रहा है। तो देखते हैं कितना कुछ होता है। बैटरी तो अभी तक ठीक ठाक ही है, तो वेट कर लेता हूँ कुछ घंटे तक, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा था, ठीक है। अभी 30 मिनट हो गया है, 40 मिनट हुआ है टोटल। तो 40 मिनट के अंदर आप ये देख सकते हैं हमारा बैटरी जो है लगभग फुल चार्ज हो गया है यहाँ पर। तो अब हम आपको इसको वोल्टेज दिखाता हूँ कितना आ रहा है अभी। तो उससे पहले आपको बता देता हूँ, मेरे ये बात देख सकते हैं बैटरी जो है गर्म हुआ है, ठीक है, मतलब लेकिन मुझे पता नहीं है ये सूरज की रोशनी से गर्म हुआ है या फिर डायरेक्ट गर्म हुआ है, ठीक है, बैटरी चार्ज होने से गर्म हुआ है। तो मुझे लगता है सूरज की रोशनी से गर्म हुआ है, तो मुझे फिर से और एक बार ट्राई करना पड़ेगा, इसको गार्ड करना पड़ेगा, ठीक है,
तो उस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी मैंने पूरा खुला छोड़ दिया था यहाँ पर सूरज की रोशनी के अंदर, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, हमारा बैटरी जो है फुल चार्ज हो गया है यहाँ पर, ये काट हो गया है ऑटोमेटिक, लगता तो है यही है। ठीक है, तो मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ सोलर पैनल को। तो अभी हम सोलर पैनल को डिसकनेक्ट कर दिया है सोलर पैनल को, यहाँ पर 50 वाट सोलर पैनल है हमारा। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं 13 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर 13 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारी बैटरी जो है फुल चार्ज हो गया है। तो अभी यहाँ पर 12 वोल्ट लाइट भी देख सकते हैं, चल रहा है अच्छी तरह से। तो मैं बैटरी को भी खोल लेता हूँ यहाँ पर से। तो यही है हमारा बैटरी, बैटरी तो गर्म है लेकिन मुझे लगता है सूरज की रोशनी से गर्म हुआ है, चार्ज करने पर नहीं। तो मैं फिर से और एक बार ट्राई करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम इसको वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पहले कितना वोल्टेज था और मैं डिस्प्ले पर दे दूंगा। तो अभी अपना वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते 13.28 वोल्ट दिखा रहा था, जो यहाँ पर भी दिखा रहा था, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है शायद, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वोल्टेज आगे कितना दिखा रहा है, 13.28 वोल्ट दिखा रहा है हमारा बैटरी का वोल्टेज। तो बैटरी चार्ज हो गया है, मैं बैटरी चार्जिंग का कैलकुलेशन आपको बता दूंगा एक वीडियो में, कैसे पता चल जाएगा कि बैटरी फुल चार्ज हुआ है या नहीं, ये हम ट्राई करके आपको दिखाएंगे। तो और एक बात आपको दिखाएंगे, बैटरी कितने देर में चार्ज होता है हमारा बैटरी, कितना वोल्टेज से, कितनी एम्पीयर से हमारा बैटरी जो है, कितनी जल्दी जो है बैटरी चार्ज होता है, वो मैं आपको एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और सोलर पैनल से पूरा बैटरी इन्वर्टर सिस्टम कैसे कनेक्ट करना है उसका कैलकुलेशन वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी वो बताया गया है कितने देर में हमारा बैटरी जो है चार्ज हो पाएगा, कितने एम्पीयर का बैटरी, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 3.7 वोल्ट का 3 बैटरी है यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों ये काम कर रहा है, लेकिन मेरे फिर से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं ये सूरज की रोशनी से गर्म हुआ है, ये बैटरी ओरिजिनली गर्म हुआ है चार्ज करने पर सोलर पैनल से, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।